दोस्तों, अगर आप एक BSNL का न्यू सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, BSNL का न्यू सिम कार्ड आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। BSNL का न्यू सिम कार्ड का जो प्राइस है वो है 0 रुपीज, यानी कि कोई भी पैसा आपको सिम कार्ड लेने के लिए यानी कि न्यू कनेक्शन लेने के लिए नहीं देना पड़ेगा। आप कैसे ऑनलाइन ले सकते हैं, कैसे ऑफलाइन ले सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, 3rd एंड 4th जुलाई में जियो, एयरटेल, वीआई ये तीनों कंपनी का रिचार्ज प्राइस हाइक हो गया। उसके बाद से सभी मतलब लगभग सभी लोग BSNL के बारे में सोचने को मजबूर हो गए। बहुत सारे लोग तो BSNL पे आ भी गए हैं, BSNL का सिम कार्ड लेना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि जियो, एयरटेल, वीआई जो भी सिम वो यूज कर रहे थे उसको पोर्ट कराना चाहते हैं BSNL में। तो अगर आप पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आप इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, वहां से देख सकते हैं। उसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाया है, क्योंकि पोर्ट का जो प्रोसेस है वो अलग है और न्यू सिम कार्ड का प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो अगर आप पोर्ट कराना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन पर भी जाके देख सकते हैं, कल ही मैंने अपलोड किया है। आज के इस वीडियो में न्यू सिम कार्ड कैसे लेना है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन की, क्योंकि बहुत सारे लोग घर बैठे ऑनलाइन इसे मंगवाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन BSNL सिम कार्ड लेने के लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, आपको आपके मोबाइल के गूगल में जाना पड़ेगा। मोबाइल ओपन कीजिए, गूगल ओपन कीजिए और वहां पर लिख दीजिए BSNL न्यू सिम कार्ड ऑनलाइन बुकिंग या ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये लिख दीजिए BSNL न्यू सिम कार्ड ऑनलाइन बुकिंग या ऑनलाइन ऑर्डर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख देंगे तो आपके सामने सबसे पहले एक वेबसाइट आएगा जिसका नाम है prune.co.in, ठीक है। प्रूने प्रूने वाला वेबसाइट आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये वेबसाइट जो है ये सिर्फ BSNL का नहीं, BSNL, एयरटेल, वीआई, जियो ये चारों कंपनी का सिम कार्ड जो है आप तक पहुंचाते हैं एकदम ऑनलाइन, ठीक है। तो इस वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा। वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे आप देखते रहिए दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वेबसाइट में जाने के बाद आपको सिंपली ऊपर देखिए प्रीपेड एंड पोस्ट पेड ये दो ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि प्रीपेड आप लेंगे या पोस्ट पेड सिम लेंगे। ज्यादातर लोग प्रीपेड ही लेते हैं, इसलिए मैं भी प्रीपेड सिम कार्ड लूंगा, तो मैं प्रीपेड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही प्रीपेड पे क्लिक कर देंगे ये वेबसाइट एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और आपके सामने वही वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जियो, एयरटेल, वीआई एंड BSNL चारों कंपनी का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली मैं BSNL पे क्लिक करूंगा। BSNL पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाएगा और आपके पास BSNL के साइड में यहाँ पर देख लीजिए कि आपके पास अलग अलग टाइप का जो रिचार्ज प्लान है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिचार्ज प्लान जो है, ये सारे के सारे रिचार्ज प्लान आप देख सकते हैं, ठीक है। कि कोई प्लान है जो कि 1 महीने के लिए है, कोई प्लान 2 महीने के लिए, कोई प्लान 3 महीने के लिए, कोई प्लान जो है 6 महीने के लिए भी है, ठीक है। तो ये प्लान आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये 397 वाला जो प्लान है जिसमें आपको 150 दिन का वैलिडिटी मिलता है और उसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और आपको डेली के 1 GB डेटा भी मिलता है। लेकिन ये सारे के सारे जो सर्विस है, फ्रीबीज है, ये पहले के 1 महीने के लिए है। बाकी के 4 महीने यहाँ पर सिम जो है एक्टिव रहेगा, SMS वगैरह आता रहेगा, कोई अगर कॉल करेगा तो आपके फोन में आ जाएगा, मतलब आउटगोइंग बंद हो जाएगा, इनकमिंग आता रहेगा, ठीक है। तो मैं एज ए सेकेंडरी BSNL सिम यूज करता हूँ और ज्यादातर लोग शायद एज ए सेकेंडरी सिम ही यूज करेंगे BSNL को, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि ये जो 397 वाला प्लान है इसके साथ आप जा सकते हैं 150 दिन के वैलिडिटी के साथ, यानी कि 5 महीने के वैलिडिटी के साथ, ठीक है। तो अभी इसको मैंने चूज कर लिया। चूज करने के बाद देखिए रिफ्रेश हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का पेज आएगा जहां पर आपको फुल नेम लिखने के लिए कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पे फुल नेम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, इसमें आपका सिर्फ एक OTP आएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर जियो का, एयरटेल का, वीआई का या BSNL का भी अगर पुराने सिम कार्ड है तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ। अभी देखिए OTP आ गया है, यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पर मुझे मेरा एक ईमेल ID भी डालना पड़ेगा, तो आपके पास जो भी ईमेल ID है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए एड न्यू एड्रेस, अभी आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं एड्रेस डालता हूँ तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पिन कोड लिखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मजेदार चीज है, थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे ही मैं मेरा वाला पिन कोड डालता हूँ तो ये मेरा बोलपुर का पिन कोड है 731204, ये मैं डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा रहा है कि आपके एरिया पे नॉट डिलीवर, ठीक है, ये नॉट डिलीवर दिखा रहा है।
तो ये भी एक चीज है कि हर एक जगह पे ये सिम जो है डिलीवर नहीं होता है, घर बैठे आप ऑनलाइन मंगवा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत सारे जगह पे डिलीवर कर देता है। जैसे कि मैं गूगल से एक दिल्ली का मैंने पिन कोड निकाला है, यहाँ पर ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो मैं यहाँ यहाँ पर डाल के देखता हूँ, 1111001। देखिए ये दिल्ली का पिन कोड है और यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का डिलीवर्ड लिखा रहा है, ठीक है। मतलब दिल्ली में इस जगह पे ये डिलीवर हो जाएगा। मतलब अभी ये वेबसाइट के द्वारा बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे काम शुरू हो चुका है, लेकिन जो छोटे छोटे शहर है या गांव है वहां पर ये काम नहीं हो रहा है। मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ पर डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। आप आपके एरिया का पिन कोड देकर देख सकते हैं कि डिलीवर होगा या नहीं। अगर डिलीवर हो जाएगा, डिलीवर दिखा रहा है, तो पूरा ये फिल कर दीजिए, आपका फुल एड्रेस जो भी यहाँ पर मांग रहा है सब कुछ फिल कर दीजिए। फिल कर देने के बाद सेव कर दीजिए। सेव कर देने के बाद फिर से एक बार आपको एड्रेस को रिकॉन्फर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो रिकॉन्फर्म पे क्लिक करके रिकॉन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो प्लान आप लेना चाहते हैं वो प्लान के लिए, ठीक है। मतलब न्यू सिम कार्ड के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, 5-10 रुपीज कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ रिचार्ज जो आप लेना चाहते हैं, 1 महीने का 2 महीने का 3 महीने का जो रिचार्ज लेना चाहते हैं वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 397 मैं सिलेक्ट किया था, मुझे यहाँ पे 397 पेमेंट करना पड़ेगा, फोन पे गूगल पे या पेटीएम से। पेमेंट कर देने के बाद ये सिम कार्ड जो है तुरंत आपके एड्रेस पे आ जाता है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 घंटे के भीतर आपके एरिया पे आपका सिम कार्ड जो है डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्किंग डेज नहीं रहता है, जैसे कि सैटरडे या संडे रहता है, तो आपका डिलीवर उस दिन नहीं होगा, या हो सकता है कि अगले दिन हो जाए, ठीक है। तो मतलब आप मान के चलिए कि 2 घंटे के अंदर हो सकता है, नहीं तो 24 घंटे के अंदर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन BSNL सिम मंगवा सकते हैं, अगर आपके एरिया पे डिलीवर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है तो, ठीक है। और अगर नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको आपके नियरेस्ट BSNL ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफलाइन BSNL सिम लेना पड़ेगा। अभी नियरेस्ट BSNL ऑफिस आप कैसे ढूंढेंगे, सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए आपका लोकेशन ऑन करके कि नियरेस्ट BSNL ऑफिस, नहीं तो आप गूगल मैप में जाकर डायरेक्ट वहां पे लिख दीजिए नियरेस्ट BSNL ऑफिस या BSNL ऑफिस नियर बाय मी, ऐसा कुछ लिख दीजिए। आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाएगा, वहां पर आपको बहुत सारे ऑफिस का लोकेशन मिल जाएगा, वहां पर नंबर भी दिया होता है, तो आप उनके नंबर पे कॉल कर लीजिए और उनको डायरेक्ट उनका जो रास्ता है वो पूछ लीजिए और वहां पे चले जाइए। लेकिन हाँ, चले जाने के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप BSNL न्यू सिम कार्ड ऑफलाइन लेना चाहते हैं, तो आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ लेना है, ठीक है। आप सिंपली आधार कार्ड ले लीजिए, लेकिन आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी के साथ एक जेरोक्स भी ले लीजिए, ठीक है। और जो बंदा न्यू सिम कार्ड लेना चाहता है उनको खुद जाना पड़ेगा BSNL ऑफिस, ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पर सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो देखा जाएगा, उसके बाद एक जेरोक्स कॉपी लिया जाएगा, उसके बाद आपको पूछा जाएगा आप कौन से प्लान के साथ जाना चाहते हैं। लगभग 2 प्लान आपको बताया भी जाएगा कि 249 45 दिन के वैलिडिटी के साथ आता है, और 397 प्लान भी है बहुत बढ़िया, जो कि 150 दिन वैलिडिटी के साथ आता है। तो आप बोल दीजिए कि मैं ये वाला प्लान लेना चाहता हूँ, वो प्लान का पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप पैसा पेमेंट कर देते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा KYC के लिए, और उसके बाद आपका वहाँ पे प्रेजेंट फोटोग्राफी भी लिया जाएगा, आपका फोटो लिया जाएगा और आपको एक सिम कार्ड दे देगा। और वो सिम कार्ड जो है 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर वो आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, उसी प्लान के साथ। तो शायद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन BSNL सिम कार्ड ले सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर कोई भी डाउट है मन में तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इस वीडियो का जरूरत है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। हर इवनिंग के 8:30 से 9 बजे के अंदर मेरे चैनल पे BSNL रिलेटेड वीडियोस आ जाता है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।